एक बार आओ उधर से, नहीं इधर से आना। हाँ स्मेल बता कैसी है, इसकी स्मेल बताओ। ऐसे ऐसे सुन रही बस हाथ में भी कहो हो, देख कितनी मस्त स्मेल आ रही, देख बढ़िया है ना। तो राम राम जी, कैसे हो सारे, उम्मीद करता हूँ नया दिन नई शुरुआत, नीचे राम राम लिख दीजिए और इस चैनल पे जैसे प्यार बरसा रहे हो वैसे ही प्यार बरसाते रहो। रही बात भाई ये सीट कवर्स क्यों नहीं उतारे, तो भाई देखो नई नई गाड़ी की भी फीलिंग ले रहा हूँ मैं कि नई नई गाड़ी है तो ये सारे लगे हुए हैं, हालांकि जब कभी इंटीरियर बनेगा तब जो है मैं इनको उतार दूंगा। एक चीज और कि मेरे को भाई नई नई गाड़ी में जो है अलग सी स्मेल आती है, तो शायद आप लोगों को भी आती होगी, तो उस चक्कर में जो है मैंने लगभग अब गाड़ी को कितने दिन हो गए हैं, महीने डेढ़ महीने तो हो ही गए, उससे ज़्यादा ही हो गए होंगे बेशक, तो गाड़ी में जो है आज तक मैंने भाई अपना परफ्यूम नहीं लगाया था जो एयर फ्रेशनर होता है। कल परसों लेके आया था एक मैं सस्ता सा जो है, और उस भाई लेवेंडर था या क्या था वो, उसको लगाने के बाद भाई मेरी जो गाड़ी है उसमें इतनी स्मेल जिसकी कोई हद नहीं, मतलब इतनी स्मेल आ रही थी, और ये बगल में पुलिस वाले थे। एनीवेज भाई वो बाइक वालों को ही पकड़ते हैं भिवानी में, गाड़ी वालों को बहुत कम पकड़ते हैं, बाइक वालों पे ज़्यादातर नकेल कसी जाती है बिकॉज मोस्टली जो गाड़ियों के कागज हैं वो पूरे होते हैं। एनीवेज अब बताऊँ मैं कहाँ जा रहा हूँ, ये वापस अपना कई बार देखा होगा आपने इलाका, और ऑटोमोबाइल मार्केट है बेसिकली, और यहाँ पे क्या चलने जा रहा हूँ गाड़ी के लिए नया, पता नहीं यहाँ मिलेगा या नहीं मिलेगा, मिल गया तो भी वेल एंड गुड, नहीं मिला तो भी भाई भगवान की दया है, मिल गया तो भी अच्छी बात है, नहीं मिला तो भी अच्छी बात है, तो चलते हैं एक बार और देखते हैं। यहाँ पे भाई गोयल वाली एक शॉप है, उसी पे मिलता है मोस्टली, वैसे तो देखो बहुत बड़ा ऑटोमोबाइल मार्केट है, यहाँ से जो है आपके सारे टायर वायर स्टार्ट हो जाते हैं भिवानी में ये, है ना, पर देखिए 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 दोनों तरफ से, अरे भाई गालियाँ भी दे देता ना वीडियो में, नहीं होता था तुम लोगों को। एनीवेज भाई देखो अभी जो है यहाँ पे फाटक के बाद मैं जाऊँगा, और मैं बता रहा था कि गोयल वाला है भाई, वो गोयल वाले पे मोस्टली हर चीज़ मिल जाती है, नहीं भी मिलती तो भी भाई मंगवा देता है वो। एनीवेज आप देख सकते हो अपनी गाड़ी का जो है इसमें कितना मस्त लग रहा है सामने, फॉग लैंप पर वो है ना, एक नंबर के लुक्स आ रहे हैं, तो चलो भाई चलते हैं गोयल पे और उसके बाद देखता हूँ मिलेगा या नहीं मिलेगा जो सामान लगवाने जा रहा हूँ, और लगने के बाद तो आप लोगों को पता चल ही जाना है कि अपडेट क्या कुछ है भाई। गोयल कार डेकोरेशन, और भिवानी में तो भाई इसी पे मिलता है, अपने फॉग लैंप फूग लैंप भी इंस्टॉल यहीं पे आके करवाता हूँ मैं, ले तो दिल्ली से आता हूँ। खैर बात करी जाए अभी क्या लिया है, तो भाई मैंने ये देखो परफ्यूम लिया है, और भाई ने बताया कि ये जापान का है, मतलब पागल वगल जो बनाते, पर हाँ मेरे को इसकी स्मेल पसंद आई पर्सनली, इसलिए लिया है मैंने, मेन वो बात है, काफ़ी धीमी धीमी स्मेल है, ज़्यादा हार्ड भी नहीं है ज़्यादा नहीं, और भाई आया 550 रुपये के आसपास बोला था, तो 500 रुपये में लगाया भाई ने ये। नेक्स्ट चीज़ की बात करूँ तो भाई देखो मेरे को जो है सनशेड्स चाहिए थे, ठीक है, तो सनशेड्स जो है ये जेट ब्लैक टाइप के हैं, इलीगल भी नहीं है ये, इलीगल क्यों नहीं है मैं आपको चलते चलते बताऊँगा, तो एक बार लगा के देखते हैं भाई, और उसके बाद जो है हम लोग चलते हैं, ठीक है। तो गाइस ये देख सकते हो भाई लाइव जो है एक्सटेंड हो गया, यहाँ पे भाई भीड़ थी दिखाऊं तो, ये भाई देख सकते हो यहाँ पे चेक चुक कर रहे थे कि भेड़ी है नहीं भेड़ी, अब क्या मैं क्या बताऊं भाई, भेड़ी है नहीं भेड़ी, जैसा भी है दिख रहा होगा आप लोगों को। रही बात ये तो भाई अल्टीमेट रिस्पॉन्स है अभी तक, तो पूरा बाहर से दिखाऊंगा गाड़ी के लुक्स वुक्स कैसे आ रहे हैं, इससे देखो भाई दो तीन फायदे होते हैं, और ये जो भाई अपना अंदर डीओ है, क्या सेक्सी स्मेल है इसकी, एकदम स्मूथ स्मूथ, मतलब जैसे कैसी कैसी स्मेल मैं आपको बताऊँ, बस बंद जो है होने वाला है तो एक बार कोशिश कर लेते हैं, देख सकते हो च्याँ 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 कर रहा है, बंद हो रहा था भाई आपने देखा होगा, और सबको जल्दी है कि जल्दी जाने दो जाने दो जाने दो जाने दो, मैं गाड़ी भगाई नहीं थी पर मैंने भगा ली, बस ये कि टायर में रेत ना उड़ गया हो यार, दो घंटे की धोई थी मैंने, सारी बार बात चली जाएगी आपके भाई की। एनीवेज दिखाता हूँ भाई और एक बार उतर के देखूंगा। The next day. तो राम राम जी कैसे हो सारे, उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे, अभी उठानी उठ बहुत देर से पहले चुका हूँ, पर थोड़ा आलस आ रहा है, सर्दियों में नहाने का इतना मन नहीं करता, खैर फिर भी आपका भाई डेली नहा लेता है। अच्छा बात यह है कि भाई मेरे YouTube की करियर की शुरुआत तो हुई थी अपनी बलिनो से ही, एंड टॉप मॉडल लिया था, उस टाइम नहीं था इतना मॉडिफिकेशन में, तो मुझे पता भी नहीं था एक्चुअल में कि बाहर ये सब काम हो सकते हैं, और मैं ट्रस्ट भी नहीं करता था, बट अब चूंकि मैं भाई इसमें आ चुका हूँ मॉडिफिकेशन फील्ड में, तो आई कैन से कि हाँ भाई आप लोग करवा सकते हैं बाहर से मॉडिफिकेशन, बट स्टिल देखो भाई काम ज़्यादा बोलता है। एंड संतरा खा लेता हूँ पहले, अगर आपने संतरा खाते हुए मुँह ऐसे नहीं करा तो आपने असली संतरा खाया ही नहीं। एनीवेज मुद्दे से ना हटते हुए बात स्टार्ट करते हैं, ठीक क्या हल।
मैंने वीडियो डाली थी भाई अपनी स्विफ्ट के उस पे पावर विंडोज पे, तो पावर विंडोज का एक डिटेल्ड मैं वो लेके आने वाला हूँ कंपैरिजन, जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि भाई अपना जो टॉप मॉडल है उसकी पावर विंडोज और एक्चुअल में इनमें क्या फ़र्क होता है, मतलब स्पीड भी बताऊंगा, ज़्यादा अंदर तो घुसने से राम है। बात यह है कि भाई उसके अंदर जो है मेरे ना अलॉय व्हील्स दिख गए, और उसके बाद सारा मतलब मेरे भी हो रहा है कि सारे मेरे को टेक्स्ट कर रहे हैं इंस्टाग्राम पे कि भाई बहुत बढ़िया अलॉय लगा, ये लगाए वो लगाए, तो आई एम लाइक कि यार नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए था मेरे को। अब से एडिटिंग में थोड़ा ध्यान दूंगा, बिकॉज मेरी बहुत सारी चीज़ें रिवील हो रही हैं अपने आप। एंड भाई स्विफ्ट पे जो अलॉय व्हील लगवाया, मेरी महंगी इन्वेस्टमेंट है अभी तक की सबसे ज़्यादा गाड़ी पे अपने, तो ये चीज़ वर्थ नहीं है बिल्कुल भी। खैर आज मैं गया था भाई नर्सरी मम्मी को लेके, और पीछे जब ये मतलब इसी को लेके गया था, हल्को लेके गया था, तो गाड़ी खड़ी थी, तो एक भाई आया बोलता कि अरे हर्ष भाई आपकी गाड़ी इंस्टाग्राम पे देखी थी मैंने। मैंने कहा अच्छी बात है भाई, तो कहते मैंने आपके पेज पे नहीं देखी, मैंने किसी और पेज पे देखी थी। मैंने कहा वो बहुत अच्छी बात है, ये गाड़ी हर जगह जो है पॉपुलर हो रही है। खैर वो सब छोड़ते हैं भाई, देखो आज की जो है मॉडिफिकेशन आपको मैं दिखाने वाला हूँ, और मॉडिफिकेशन क्या होगा भाई, देखो एक चीज़ बताऊँ आपको, जो अपनी हल्क है, हल्क में तो ऑलरेडी काली मतलब टिंटेड विंडोज़ आती हैं, आपको दिख रहा होगा, मतलब आर पार देखो ना, ये देखो आर पार इसमें बहुत कम दिखता है। रही बात एक्स की, तो एक्स में एक ही चीज़ की कमी थी, वो थी कि भाई इसकी विंडोज़ में मैं काली चाहता था, पर आजकल जो है लोगों के 10-10 हज़ार रुपये के चलान कट रहे हैं इनके काले शीशे विशों के, तो इतनी हिम्मत नहीं है कि भाई मैं भी काला करा लूँ। उसका एक जुगाड़ ढूंढा आपके भाई ने, तो पहले चलता हूँ लेके आता हूँ, और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये सत्यानाश कर दिया आंटियों ने, मैंने 2 घंटे लगा के साफ़ करी थी गाड़ियाँ, और झाड़ू मार के कर दी। एनीवेज भाई स्टार्ट करूंगा, बताऊंगा दोबारा, और जुड़ा हुआ भाई साहब अमरूद है क्या? 1 किलो का तो अकेला ही होगा ना, आराम से। ओहो, एनीवेज गाड़ी की चाबी कहाँ है? चाबी ढूंढो, चाबी 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 चाबी। अरे तेरे पास है तो चाबी देना, मैं चाबी तो चाबी फिर आती के बाद मिलेगी। 500 करोड़ छुपा के दो। तो भाई आ रहा हूँ, 1 मिनट वीडियो बना दो उसके बाद खाऊंगा। तो भाई अब चलते हैं और दिखाता हूँ मैं आपको। तो भाई देख सकते हो लुक्स, अलका कैसी लग रही है काले शीशे के बाद? मस्त लग रही है, चेंज हो गया ना काफी। क्या हो गया, अमरूद खा रही है? तो मस्त हो रही है। एनीवेज भाई ये जो है अब देख सकते हो, और मतलब ये देखो भाई, ये लीगल है, इस पर कोई पुलिस वाला नहीं रोक सकता, कुछ भी नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता, इस पर धड़ल्ले जा सकते हो। हालांकि रोक तो इस पर भी नहीं सकता कोई भी, क्योंकि ये जो है रिमूवेबल है, और आजकल किया सेल्टोस वेल्टोस के टॉप मॉडल में जो है भाई आपको देखने को मिल जाते हैं। एक बार आओ उधर से, नहीं इधर से आना। हाँ स्मेल बता कैसी है, इसकी स्मेल बताओ। ऐसे सुन रही है बस भाई, सुनने का तरीका देखो ना, ले पूरा देख सुन के बता कैसी स्मेल है सुन। तो भाई ये जो है मैंने खरीदा है 550 रुपए, 550 रुपए पर वर्थ है ना, बहुत एकदम काफी स्मूथ स्मेल है ना, तेरी सारी कार का सबसे अच्छा पहला सेंट यही है। सो गाइस ये लो सबसे अच्छा, अगर इन केस आपको ऑनलाइन मिले, भाई जापानीज है बेसिकली, इसमें एक जो था अपना चाइनीज भी था, पर वो इतना बढ़िया नहीं था, उसकी स्मेल अलग सी थी, बट हाँ इसकी स्मेल काफी स्मूथ है और प्यारी सी, चढ़ नहीं रही, सर दर्द नहीं हो रहा है ना, सर दर्द नहीं हो रहा, डिसेंट। हाथ में भी कहो देख कितनी मस्त स्मेल आ रही, देख बढ़िया है ना। एनीवेज भाई देखो ये है अपने काले जो सनशेड्स लगाए हैं आप बोल सकते हैं इनको, और इधर से जाके दिखा दो तो ये रहे भाई अपने काले, और इसके बाद जो है गाड़ी का एकदम ब्लैक हो जाता है। मैं दिखाऊं एक बार देखो तो सपोज करो अभी ये है, एक बार बंद करियो हल्का वहां से, सपोज करो अभी ये अपना खुले में, अभी बंद करा उधर से आपका काला हो चुका है, ठीक है, और इधर से एक बार मैं और कर दूं, यार कैसे पकड़ूं, ऐसे पकड़ लेते नहीं, तो ये देख सकते हो कितना फर्क जो है पड़ जाता है। तो ये लगाने के बाद भाई जो गाड़ी है काफी ज्यादा मतलब अंदर से, एक तो होगा भाई एसी देखो आपको नहीं करना पड़ेगा, चलाना नहीं पड़ेगा, अभी सर्दियां तो आ चुकी हैं वैसे, पर उसमें भी सीन क्या हो रहा है ना कि गर्मी लग जाती है बीच बीच में, तो ये इनके बाद है धूप डायरेक्ट नहीं पड़ेगी, तो एसी चलाना नहीं पड़ेगा, मेन सीन है। एंड फिर पीछे वाले जो है भाई वो भी आपको मैं लुक्स में दिखा दूं, तो ये देखो ये अंदाजा लग जाएगा ना आपको, ऐसे ऐसे कुछ जो है अपने लग रहे हैं, और काफी अच्छे हैं भाई, अनडाउटेडली काफी बढ़िया। और ये जेड ब्लैक वाले इससे पहले जेड ब्लैक में कोई नहीं आते थे, उनमें क्या होता था कि आर पार दिखता था, बट हाँ ये जेड ब्लैक वाले हैं, तो ये काफी ज्यादा, इनकी कॉस्ट क्या पड़ी, 200 रुपीज समथिंग पड़े मेरे को, 200-250 के आसपास पड़े। ऑनलाइन आपको खरीदना हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं इसका भी, और डीओ भी ढूंढ के देखता हूँ, इनकेस मिला तो वो भी हो जाएगा। अब बाहर से एक बार और दिखा दूं आपको लुक्स की गाड़ी के, एक्चुअल में लुक्स कैसे लग रहे हैं बाहर से, तो आपको भी अंदाजा पड़ जाएगा कि हाँ भाई गाड़ी जो है। और भाई देखो एक चीज है, काले शीशे के बाद जो गाड़ी की लुक्स है ना सही में बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, तो एक बार जो है बाहर चलता हूं मैं और लुक्स दिखाते हैं आपको, तो भाई अंदाजा तो ना आपको यहीं से बढ़ जाएगा।
ये देख सकते हो। बाकी एक बार रिवर्स पे भी कर देता हूँ कैमरा। तो भाई ये देख सकते हो ऐसे कुछ हैं अपनी जो गाड़ी के लुक्स लग रहे हैं, और मैंने पहले भी आपको बताया था काफी ज्यादा अल्टीमेट लग रही है गाड़ी अब साफ होने के बाद और एकदम ऐसे काले होने के बाद ना। पीछे वाला मैंने इसलिए निकाला भाई इलीगल है और रात को देखो उसमें दिक्कत बहुत आती है। हाँ ये बात अलग है, मोहित भैया से मैं फोटो फिनिक जो है इसमें फिल्म चढ़वा सकता हूँ क्योंकि उसमें रात में कोई इशू नहीं आता है, उसमें पुलिस भी नहीं बोलती बिकॉज 50% के आसपास रहता है। एंड ये है भाई माइक्रोफाइबर क्लोथ सुखा, एंड ये है भाई माइक्रोफाइबर क्लोथ सुखा रखे आपके भाई ने, अभी गाड़ी धोई थी तो नीचे से इसलिए दिखा सकता बिकॉज आप लोगों को पता चल ही चुका है कि अलॉय व्हील लग चुके गाड़ी में। तो नेक्स्ट जो है वीडियो सून अलॉय व्हील पे ही आने वाली है। खैर भाई अपनी गाड़ी के कैसे लगे ये जेड ब्लैक जो है शीशे ये बताइएगा कमेंट सेक्शन में लिख के। छोटी सी इन्वेस्टमेंट थी और भाई उसमें गाड़ी के लुक्स चेंज हो गए, और मेरे को ना देखो कई दिन से यूँ था कि नई नई गाड़ी की स्मेल थी वो चाहिए थी, बट हाँ अब नई गाड़ी की स्मेल को भी ऑलमोस्ट अरसा हो चुका था स्मेल करते हुए, तो आई वाज लाइक कि चलो अब जो है इसमें डीओ भी लगा देते हैं। तो वो जो है आपके भाई ने लगा दिया, और कैसी लग रही है भाई ये देखो ये अपनी हल्क रही, हल्क पे बताइएगा और ये भी बताइएगा कैसी लग रही है। एनीवेज